हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्ट टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल। कस्टमर ने ईसीबी को पॉलीथीन में बांध के पार्सल को भेजा है। ये एलजी एसी का पीसीबी है, इसमें ब्लोअर मोटर एक बार झटका लेकर बंद हो जाती है। यही वो ब्लोअर मोटर है। ब्लोअर मोटर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। पहले पीसीबी को पॉलीथीन से बाहर निकाल लेता हूँ। ये मैंने बाहर निकाल लिया इसको और सारा सेटअप भी कर लिया। ये ब्लोअर मोटर का कनेक्टर है, इसको भी कनेक्ट कर लिया है। ये आउटडोर के फेस न्यूट्रल वेल है, इसको भी मल्टीमीटर से कनेक्ट कर लिया है। जब इंडोर पीसीबी ऑन होगी तब आउटडोर को सप्लाई पास होगी तो मल्टीमीटर में 230 वोल्ट शो होंगे। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। ऑन, मेन सप्लाई ऑन किया, पावर स्विच को ऑन किया। देखिए मोटर एक बार झटका लेकर घूमकर बंद हो गई, आउटडोर को सप्लाई मिल गई है, लेकिन ब्लोअर मोटर नहीं चल रही। पीसीबी को चेक करना पड़ेगा। चलिए इसको बाहर निकाल के देखता हूँ। पहले पावर बटन को ऑफ करता हूँ, मेन को भी ऑफ करता हूँ। फॉल्ट को समझने के लिए पीसीबी को घुमा के मोटर के कनेक्टर पे जो सप्लाई बनते हैं उसको समझना पड़ेगा। एक पिन पे डायरेक्ट न्यूट्रल मिल गया, न्यूट्रल जो है डायरेक्ट फेस जो है इधर से फ्यूज से होते हुए यहाँ आई और यहाँ आई और सीधा जो है यहाँ से फोटो ट्रैक के 6 नंबर पिन यानी T2 पे पहुंच गई। अब जब फोटो ट्रैक IC ऑन होगी तो T2 से T1 पे सप्लाई जाएगी और मोटर को चालू करेगी। ये देखिए IC, इसको चलिए इसको सप्लाई देके चेक करता हूँ। एक बार घूमी और बंद हो गई। T2 और T1 को शॉर्ट किया, मोटर चालू हो गई, जब छोड़ा बंद हो गई। T2 से T1 की सप्लाई चेक करना है। T2 पे 220 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं उसको चेक करेंगे। ये न्यूट्रल और ये T2, ये देखिए इधर तो 230 वोल्ट बन रहे हैं, लेकिन T2 से T1 पे सप्लाई नहीं मिल रही है, इसलिए मोटर नहीं घूम रही है। T2 से T1 पे सप्लाई नहीं मिल रही है, इसलिए ये ब्लोअर मोटर नहीं घूम रही है। मतलब इस IC का प्रॉब्लम है। ये वाली वाइट IC, चलिए इसको भी बाहर निकालता हूँ। इसका नंबर TLP590J है, ये देख सकते हैं। मैंने इसको डिसऑल्डर कर लिया है, ये बाहर भी आ गए। अब इस IC को बदलना पड़ेगा भाइयों, तब इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।